आपको बताएंगे कूलिंग टावर की भर्ती के बारे में। ये हमारा कूलिंग टावर है, ये इस दौरान इस वक्त रनिंग के अंदर है, ठीक है ना। तो ये पिंच लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर से गिर रहा है पिंच के ऊपर, ठीक है ना। पिंच ऊपर गिर रहा है और ये ऊपर फैंस चल रहे हैं, ठीक है। ये जो फैंस है इसका काम ये है कि जो पानी के अंदर गिर रहा है ना तो उसको ये सक कर लेता है, ठीक है ना। जब पानी के अंदर जो हीट है उसको ये सक हो जाएगी तो पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया। पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसके बाद ये पानी जाएगा सिंक के अंदर, ठीक है। सिंक के अंदर जाने के बाद ये देखें, ये सिंक बने हुए हैं, वो पानी अंदर से आएगा इस सिंक के अंदर, ठीक है ना। सिंक के अंदर आने के बाद ये यहाँ पे पंप लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सिंक है। वो जो पानी है अंदर से इस सिंक में आ रहा है, इस सिंक में आने के बाद वो सामने पंप लगे हुए हैं, वो इस पानी को सक करते हैं। सक करने के बाद ये पानी इन पाइप्स के थ्रू आगे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर में जाता है। फिल्टर में जाने के बाद इस पानी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिल्टर उन्हें साफ़ कर देता है। सिंक में आने के बाद पानी, ये पंप लगे हुए हैं, पंप उस पानी को सक करता है। ये देख सकते हैं, ये पंप लगे हुए हैं, देख सकते हैं, ये इनलेट है। यहाँ से पानी उस सिंक में से पानी इस इनलेट में आता है, ठीक है ना। ये इनलेट का पाइप है और ये यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ये इस पानी को सक करता है। सक करने के बाद ये ऊपर लाइन बनी है, ये आउटलेट का पाइप है, ठीक है ना। यहाँ से पानी होते हुए सीधा जाता है इस फिल्टर में, ठीक है। ये फिल्टर पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें साफ करता है, उसके बाद ये पानी अंदर जाता है इंजन के। ये फिल्टर से पानी साफ होने के बाद ये जाता है पानी डायरेक्ट सीधा इंजन के अंदर, ठीक है। तो आज जैसा कि हमने आपको कूलिंग टावर के बारे में बताया, उसके वर्किंग के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे LT और HT वाटर पम्प की वर्किंग के बारे में, कि वो किस तरह वर्क करता है। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचें।